माने है नहीं नहीं क्या पॉलिटिकल हालात जिस तरीके से बन रहे हैं क्या कहेंगे पूरे हलचल मचा हुआ है पूरे बिहार के पूरे देश में। देखिए मेरी जो सवाल है अंदर अब सवाल तो तीन चार एक ही तरह है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सब जो चल रहा है या जो आप लोग चला रहे हैं वो तो सब देख रहा है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कारण हो जो लोग भी बिहार में रहे हैं और बिहार के बाहर से 9/22 जब इस गठबंधन की बुनियाद पड़ी उस बुनियाद में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी बुनियाद की एक एक ईंट जो थी वो ये थी कि मोदी जी की तानाशाही राजनीति नफरत और घृणा के खिलाफ। उसी कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ संयोजन भी किया मीटिंग का तेजस्वी जी के साथ मिलकर के सब मिलकर के बेहतर ढंग से एक सृजन का कार्रवाई हुआ। आप देख सकते हैं हालात कितने बदले हैं। तो सीधे तौर पर मैं तो जो देख रहा हूँ और जो उससे असमंजस है मैं मानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि ये कंफ्यूजन सोशल मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया में अखबारों में चल रहा। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम तीन चार जगह से झंडा फहरा के आए तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा वो संशय हमारे लिए भी रहता है। दूर कर दीजिए सर। नहीं संशय दूर करना इस गठबंधन के मुखिया कौन है गठबंधन किनके साथ बना हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय कन्फ्यूजन ये इधर उधर वो सब स्पष्ट हो जाए ताकि बिहार अपने हित पर बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये चार पांच दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं। मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए आप लोगों को देखा तो रुक गया और मैं अभी भी कह रहा हूँ जो चल रहा है या चलाया जा रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे वही इसको रिजॉल्व। सर 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 आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है ठीक है आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं नीतीश जी फिर से उधर न चले जाए। सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले हैं ऐसा है। देखिए चार पांच सीट का ही मामला है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया और क्यों किया माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है। वो इसको रिजॉल्व अगर वो चले जाते हैं क्या होगा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु हेतु मतभेद वाला इसको जब ये गठबंधन बना उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है और उसमें कामयाब विजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय मैं समझता हूँ माननीय मुख्य टेलीविजन देख रहे होंगे इन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर कहीं ना कहीं से महागठबंधन को नुकसान हो रहा है क्योंकि जो संशय बना हुआ जनता में आपके वोटर्स में महागठबंधन को नुकसान। देखिए बिहार बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए हैं और वो बरकरार रहेगा ये संशय के बादल छट जाए जनता बड़ा सवाल है। मैं उतना बड़ा उतनी बड़ी हैसियत का आदमी अखिलेश यादव का कहना है कि नीतीश इंडिया ब्लॉक